नमस्ते दोस्तों, रहस्यमय ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। रंजिनी अप्सरा साधना। दोस्तों, रंजिनी अप्सरा की साधना साधारण अप्सराओं की साधनाओं की अपेक्षा कुछ परिवर्तन से की जाती है। सुगंधित द्रव्य एवं विविध आभूषणों में तीव्र रुचि रखने वाली रंजनी अप्सरा की साधना संध्या काल के प्रथम प्रहर में की ही जाती है, जिसमें साधकों के लिए आवश्यक है कि वह अपने साधना स्थल को भली भांति सजा सवार कर रखें। यदि संभव हो तो वह कमरे में केवड़े के जल का छिड़काव दें। इस साधना में हल्के रंग का विशेष महत्व है। साधक के लिए वस्त्रों का कोई बंधन नहीं। अपनी रुचि के अनुसार पैंट, शर्ट, पायजामा, कुर्ता कुछ भी पहन सकते हैं और स्त्रियां जैसे चाहे अपना श्रृंगार कर इस साधना में बैठ सकती हैं, किंतु आसन और सामने लकड़ी के बाजोट पर बिछाया जाने वाला वस्त्र हल्का हरा रंग का होना आवश्यक है। यदि यह रेशमी हो और उसके चारों कोनों पर सुनहरी गोटे लगे हों तो और अधिक अच्छा माना जाता है। चंदन अथवा केवड़े की सुगंध वाली अगरबत्ती जलाकर वातावरण को शुद्ध करें और रंजिनी अप्सरा यंत्र स्थापित कर माला से निम्न मंत्र का 11 माला जाप करें। यंत्र पर किसी सुगंधित पुष्प की पंखुड़ियाँ की वर्षा करें और हिना का इत्र लगाएं। दीपक की इस साधना में कोई आवश्यकता नहीं है। जब मंत्र जप के उपरांत अप्सरा प्रकट हो तो उसकी साक्षात उपस्थिति होने पर सुगंधित पुष्प माला चढ़ावें। ये अप्सरा साधना व्यक्ति को सिद्ध तो प्रथम बार में ही हो जाती है, लेकिन वातावरण में व्याप्त किन्हीं दूषित प्रभाव के कारण इसका प्रत्यक्षीकरण नहीं हो पाता है, जिसके लिए हताश और निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह साधना 5 दिनों की है, जो सप्ताह के किसी भी दिन प्रारंभ की जा सकती है और श्रेष्ठ साधकों का एक मत से कहना है कि वास्तव में यह अप्सरा साधना प्रथम बार में ही सिद्ध हो ही जाती है। इस साधना का मंत्र इस प्रकार है। ओम एम रंजिनी मम प्रियायो वश्य आज्ञा पालयो फट। इस प्रकार मंत्र जाप करें। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।